स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी इस एक्टिविटी को बनाने के लिए जो कि जिसका नाम है पैटर्न ग्राउंड, उसके लिए हमें चाहिए एक लार्ज स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने एक बड़ा सा पेपर लिया है, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए शेप्स। तो पहला शेप बच्चों हमारे पास कौन सा है, ये है स्क्वायर, और फिर हमने लिया है हार्ट शेप, और उसके बाद हमने लिया है सर्कल शेप, और उसके बाद बच्चों हमने लिया है एक स्टार शेप। तो मैंने इस सबके चार चार कटआउट्स कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमें चाहिए एक स्केच पेन, एक रूलर, एक सीजर और एक फेविकॉल। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हम पैटर्न ग्राउंड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केल की मदद से इसमें कुछ बॉक्सेस बना दूंगी, जिससे कि हमें पैटर्न फिल करने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं बॉक्सेस। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस जो स्ट्रिप पर स्केल और स्केच पेन की मदद से काफी सारे बॉक्सेस बना दिए हैं, जिससे कि हमें इसमें शेप्स फिल करने में और पैटर्न बनाने में आसानी होगी। तो बच्चों अब तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि पैटर्न हम किसे कहते हैं। पैटर्न हम उस सेट ऑफ फिगर्स को बोलते हैं जिसमें फिगर्स को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं जिसमें कि वो बार बार रिपीट हो रहा हो। मतलब पैटर्न इज अ सेट ऑफ फिगर्स, शेप्स, सिंबल्स प्लेस इन अ मैनर दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इन शेप्स की मदद से इस पर एक पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों हम लेंगे एक सर्कल, उसके बाद बच्चों हम लेंगे एक हार्ट, और उसके बाद एक स्टार। तो बच्चों हमने सारे शेप्स एक एक बार यूज कर लिए हैं। अब पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन शेप्स को दोबारा उसी तरीके से लगाना होगा जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम लगाया है, जिससे कि वो रिपीटिंग मैनर में हमें दिखे। तो फिर से हम क्या लेंगे बच्चों, एक स्क्वायर और फिर एक सर्कल, फिर एक हार्ट और फिर एक स्टार। अब बच्चों आप यहाँ बता सकते हैं दोबारा कौन से शेप्स लगाने होंगे। हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल, फिर एक हार्ट और फिर एक स्टार। तो बच्चों हमारा यहाँ पैटर्न क्राउन बन गया है। तो सबसे पहला हमारे पैटर्न में क्या है, स्क्वायर, सर्कल, हार्ट और स्टार। इसी तरीके से बच्चों आप और भी शेप्स के साथ अलग अलग पैटर्न अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हमें इसे क्राउन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो चलिए बच्चों फेविकॉल की मदद से इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद हमें इस वाले एंड को इस वाले एंड से फेविकॉल की मदद से जोड़ना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम ये भी काम करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने सारी शेप्स को चिपका दिया है। अब इसे क्राउन में बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे बना दिए हैं। अब मैं इस वाले पार्ट को काट दूंगी जिससे कि ये एक क्राउन जैसा लगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों पहले इसे काटते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से कट करने के बाद बिल्कुल एकदम क्राउन जैसा लग रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अब कि इस वाले पॉइंट को हमें इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमें फेविकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बच्चों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी कटिंग का काम करें आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प जरूर लें, ठीक है, ताकि आप सेफ भी रहें। ओके, तो अब चलिए बच्चों इसे और इस पॉइंट को जोड़ते हैं। तो बच्चों हमने दोनों एंड्स को पेस्ट कर दिया है। तो अब बच्चों देखिए ये एकदम क्राउन जैसा लग रहा है। अब आप ऐसा ही क्राउन बनाकर और पहनकर मुझे पिक्चर भेजिए, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी मजेदार लगी होगी।